मेरा पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे पहले मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया, दुर्घटना योजना 5 लाख किया, निःशुल्क जाँचें, निःशुल्क दवाइयाँ, कई जगह PHC, कई जगह CHC और कोरोना काल में इतना बेहतरीन प्रबंध किया राजस्थान की सरकार ने, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। TSP क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, डूंगरपुर में सामान्य चिकित्सालय एक ही बड़ा हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय है। इस चिकित्सालय में कई डॉक्टर अच्छे भी हैं, कई स्टाफ अच्छा भी है, कोरोना में अच्छा काम भी किया है, लेकिन कई डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में खाली हाजिरी लगाने आते हैं, उनका प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा है और सरकारी दवाई का उपयोग करते हैं और पर्ची हॉस्पिटल में कोई उनके मिलने में आता है उसके माध्यम से उनको प्राइवेट क्लिनिक पे उनके बुलाते हैं और गरीबों से लूटा जा रहा है। मैं मांग करना चाहता हूँ मंत्री जी से कि इसकी आप जाँच करवाएँ और जो दोषी डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो कोरोना में जिसने अच्छा काम किया है, भले वो डॉक्टर्स हो, भले नर्स हो, भले वार्ड बॉय हो, उनको सम्मानित भी किया जाए। मैं सभापति महोदय जी हॉस्पिटल में एक दो बार गया तो डॉक्टर्स की सेटिंग होती है बाहर, जो मेडिकल वाले होते हैं उनके पास, जो यहाँ दवाई नहीं मिलती है वो ऐसी दवाई लिखते हैं तो पर्ची लेके उसको जाना पड़ता है बाहर मेडिकल की दुकान पर, और कई बार वहाँ मशीनें खराब हो जाती है 7-7 दिन में, CT स्कैन की मशीन खराब, एक्सरे मशीन खराब, कोई जांचों की मशीन खराब। यूं करके सरकार की योजनाओं को फेल किया जा रहा है अधिकारी कर्मचारियों द्वारा। सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इसकी आप सही जांच करें और वास्तविक जो गरीब है उसको फायदा मिले। इस चिरंजीवी योजना से हमारे आदिवासी ट्राइबल बेल्ट में काफ़ी फायदा हुआ है, लेकिन इस तरीके से जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो इस योजनाओं को, इस लाभ को गरीब तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और रात के समय में स्टाफ रहता ही नहीं है, बेचारा दूर से जाता है कि डॉक्टर मेरी व्यवस्था डॉक्टर देखेंगे कि कोई स्टाफ मिलेगा, रात को हॉस्पिटल में कोई स्टाफ भी नहीं मिलता है, डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं, मरीज पूरी रात परेशान हो जाता है और कई बार घर बुलाते हैं रात को भी, उनको फीस चाहिए 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार तो उसका हाथ पकड़ेंगे, ऐसी स्थिति है माननीय सभापति महोदय जी। तो ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी, जो डॉक्टर्स जो भी हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार छोटी मोटी बीमारी होती है उसके बाद भी कहते हैं कि आपको रेफर करते हैं, उदयपुर जाओ, अहमदाबाद जाओ, हिम्मतनगर जाओ। अरे वो कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? और जो MLA से जो एम्बुलेंस दी थी दो, वो मरीजों के नहीं लगाकर उनकी जो दवाइयां हैं दवाई में सप्लाई करने के लिए, वो हमारे जो MLA से एम्बुलेंस दी बिच्छीवाड़ा और डूंगरपुर में उसका उपयोग कर रहे हैं और बिल बना रहे हैं, फर्जी बिल बना के पैसा उठा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए संबंधित अधिकारी से। माननीय सभापति महोदय जी, हमारे TSP में कई झोला छाप डॉक्टर बन के क्लिनिक खोलकर बैठे हुए हैं, वहां पर कोई CMHO को कोई काम, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पता नहीं वो डिग्री कहां से लाए, गांवों में गरीबों को लूट रहे हैं, कैसी कैसी दवाइयां चढ़ा रहे हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हो गई, कई लोगों की मृत्यु भी हो गई और वो झोला पकड़ के लेके भाग जाते हैं, ऐसी स्थिति है। तो माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, ऐसे जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनका क्लिनिक बंद करा जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं 2 मिनट में समाप्त करिए प्लीज। सर 7 मिनट नहीं हुए, 7 मिनट दिए मुझे, 5 मिनट कुछ सेकंड हो गई, 5 मिनट तो नहीं हुए सर। माननीय सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहूंगा, घड़ी हाउस की काम करेगी। अरे सर, पाल देवल
सीएससी का भवन निर्माण नहीं हुआ है और मजोला में पीएससी का भवन निर्माण भी नहीं हुआ है। मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि पाल देवल में सीएससी और मजोला में पीएससी का भवन निर्माण जल्दी से जल्दी कराया जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, बिच्छीवाड़ा सीएससी एक हाईवे पर है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैं मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि वहाँ ट्रॉमा सेंटर खोले जाए और मोर्चरी में 40-45 किलोमीटर सामान्य अस्पताल आना पड़ता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है पीएम कराने के लिए, वहाँ मोर्चरी जीर्ण दुरावस्था में उसकी मरम्मत कराई जाए, उसकी पीएम वहाँ बिच्छीवाड़ा ही हॉस्पिटल में हो, ये मैं मंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ। और उसी के साथ ही जो संविदा पर जो कार्मिक लगे हुए हैं जो प्लेसमेंट एजेंसी से, तो प्लेसमेंट एजेंसी वाला ठेकेदार उनके साथ मनमानी करता है, दो दो तीन तीन महीनों का वेतन नहीं मिलता है। तो मैं मानते मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, आरएमएस आरएस में समायोजित करने की कृपा करें, तो जिससे प्लेसमेंट एजेंसी के अधिकृत नहीं कर कार्मिकों का अधिकारों का उनका हनन नहीं होवे। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी मांग करूँगा, जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने एएनएम नर्सिंग भर्ती 2018 के 1041 अभ्यर्थियों के आदेश न्यायालय से जारी हो गए, तो मैं मांग करता हूं कि उनको न्यायालय से आदेश जारी हो गए हैं तो उनको जल्दी से जल्दी पोस्टिंग दी जाए। इसी के साथ जीएनएम एएनएम भर्ती 2013 के अभ्यर्थी कई समय से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी नियुक्ति देने की मांग करता हूँ। मैं माननीय सभापति महोदय जी, होम्योपैथिक चिकित्सा धारियों के 656 नवीन पद सृजित कर संविदा होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियमित किए जाने की पुरजोर मांग करता हूं। मैं सभापति महोदय जी आपका के बारे में खाली दो मिनट करूंगा, क्योंकि टीएसपी एरिया से आते हैं। मिनट में समाप्त कर दीजिए सर, ये दो मिनट खाली टीएसपी एरिया आ रहे हैं, हमको बोलने दिया जाए। हम आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, हमको यहाँ ही नहीं बोलने दिया जाएगा तो हमारे अधिकारों का हनन तो यहीं हो रहा है। बोलिए, आप बोलिए, हमको बोलने दो, पहली बार तो हम बोलना सीखे हैं यहाँ पर, हमें बोलने दो, सीखने दो, अभी हम पहली बार आए, सीखने दो हमको। मैं माननीय सभापति महोदय जी आपसे कहना चाहता हूँ कि आबकारी अधिकारी जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो हमारे झूठे मुकदमों में कई आदिवासियों को फंसा रखा है, भले एक बोतल दो बोतल मिलता है, उनके 10-10, 15-15 बोतलों के जो मुकदमे लगाए उन मुकदमों को वापस लिया जाए। और आदिवासी की संस्कृति परंपरा कल्चर, हमारा वार है त्यौहार है, कोई भी हमारे ढूंढो सब है, उसमें हमारे देशी दारू चलती है, ये हमारी संस्कृति परंपरा हमारे पूर्वजों का है, और हमारे पूर्वजों को भी हम धार चढ़ाते हैं, उनको मानते हैं पूजते हैं। हमारे आदिवासी टीएसपी एरिया में 12 बोतल देसी जो महुआ होता है उसका रस जो जूस होता है उसको रखने का 12 बोतल हमको रखने की छूट दी जाए, भले आबकारी वाले अधिकारी आए भले पुलिस वाले आए, हमारे आदिवासियों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया जाए, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ, ये मैं मंत्री जी से मांग करता हूँ और हमारे सीएम साहब से भी मांग करता हूँ। और हमारे टीएसपी क्षेत्र में जो अंग्रेजी शराब की दुकानें खोल रखी है उनको बंद किया जाए, हमको गरीब बनाने के लिए अंग्रेजी शराब की दुकानें गली गली में खोल रखी है, और अंग्रेजी शराब की दुकानें बाहर से आके उनके नाम अलॉटमेंट हो रही है। अगर अंग्रेजी शराब की दुकानें वहाँ पर लगानी है और वहाँ पर खोलनी है तो वहाँ का एसटी को भी आरक्षित दुकानें मिलनी चाहिए। अगर वास्तविक में अंग्रेजी शराब वहाँ अगर दुकानें लगानी है, अगर सरकार की आय होती है तो सबके सब बाहर के आके हमारी जनता से लूटते हैं, 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार की दारू हम कहाँ से, आदिवासी समाज कहाँ से खरीद सकता है। तो हमारे जो देसी जो सस्ती है उसको बंद कराना चाहते हो और अंग्रेजी की 2-2 हज़ार बोतल की हमको पिलाना चाहते हो, तो हम तो आदिवासी पहले से गरीब है और गरीब करना चाहते हो। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि महुए की दारू हम 12 बोतल हमको छूट दी जाए, हमारी शादी हो मौत मरण हो एक दूसरे को हम देते हैं। जैसे मेरे भाई की बच्चे की शादी है तो मुझे 5 बोतल देना पड़ता है, मेरे अगर अंकल के लड़के की शादी है तो आमने सामने हम एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे रिवाज है। मैं मांग करता हूँ कि ऐसे झूठे मुकदमे जो लगाए पुलिस ने आबकारी ने उसको वापस लिया जाए, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। श्री राजकुमार रोत, श्री राजकुमार रोत।